नमस्ते दोस्तों दोस्तों क्या कारण है कि ओवैसी जैसे ही हैदराबाद से बिहार की तरफ जाता है, हैदराबाद से दिल्ली की तरफ आता है, हैदराबाद से बाहर निकल करके जब वो यूपी की तरफ आता है, तो क्यों मुस्लिम वोटों में सेंध लगनी स्टार्ट हो जाती है? जिन पार्टियों के पास मुस्लिमों की वोटें होती हैं, वो पार्टियां क्यों घबराने लग जाती हैं? और ध्यान दीजिए, गौर करने वाली बात यह है कि ओवैसी जहां भी वोट मांगने के लिए जाता है, वो कभी भी फ्री का पानी, आपको हम ये सुविधाएं देंगे, रोड बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, आपके लिए मेट्रो चलाएंगे, कुछ भी ऐसी विकास की नीति पर चलकर वो एक शब्द भी नहीं बोलता है। और फिर भी सभी की सभी दलों, सभी की सभी पार्टियों, जिनके पास भी मुस्लिम वोटें होती हैं, उन सबको डर लगने लग जाता है कि जो ओवैसी है वो हमारी वोटों में, मुस्लिम वोटों में सेंध लगा देगा। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का स्पष्ट कारण है कि जो ओवैसी है वो सीधा सीधा डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान लेकर चल रहा है। आपको अजीब लगेगा परंतु ये सही बात है। जब भी ओवैसी को देखते हैं तो 1986 वाला जावेद याद आ जाता है, जिसने मैच की आखिरी बॉल पर चेतन शर्मा पर छक्का मारकर मैच जिताया था। जावेद मियादाद बेहद आराम से खेल रहा था, कहीं से लग ही नहीं रहा था कि वो मैच जिताने के लिए खेल रहा है। भारतीय टीम भी सोच रही थी कि कोई हर्ज नहीं है, खेलने दो, इसके हर एक ओवर में एक या दो रन लेकर क्या उखाड़ लेगा। जैसे जैसे मैच बढ़ा, वैसे वैसे जावेद ने गेयर बढ़ाया और अंतिम गेंद पर छक्का मारकर मैच जिता दिया। ओवैसी बिल्कुल इसी राह पर चल रहा है। उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है, हिंदुत्व को खत्म करना और इस देश में एक दिन डायरेक्ट एक्शन डे लगा करके इस्लामिक हुकूमत कायम करना, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम के नीचे लगाना। ओवैसी भी मियादाद की तरह बेहद धैर्यवान तरीके से खेल रहा है। अब देखेंगे, बिहार इलेक्शन में अच्छी खासी सीट हासिल हुई है, बंगाल में ममता बानो और बीजेपी इसकी लोकप्रियता से बहुत परेशान है, गुजरात में उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर इसकी पार्टी ने सबको चौंका दिया है, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में इसकी पार्टी और इसके सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना तो इसका पहले से ही गढ़ है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुसलमानों के पक्ष में खुलकर बोलता है, कोई लाग लपेट नहीं। समझने वाली बात यह है, कोई लाग लपेट मतलब किसी भी प्रकार की ये हिंदुत्व की आड़ नहीं लेता है बीच में। जैसे कि कोई दूसरा दल होगा, जैसे बीजेपी वाले दल होंगे, तो वो क्या करेंगे, जिस इलाके में जाएंगे उसके हिसाब से हैंडल करेंगे और उसके हिसाब से राजनीति करेंगे। इसका लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, हाँ, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुलकर बोलता है मुसलमानों के पक्ष में। सबका साथ सबका विकास जैसी सोच नहीं है इसके साथ, मुसलमानों से विकास का कोई वादा नहीं है, हिंदू वोटों की कोई लिप्सा नहीं है इसके अंदर। इसका सदा हुआ कदम और सोची समझी रणनीति इसे जिन्ना के समक्ष खड़ा करती है। इसका गजवा हिंद का एजेंडा कितना क्लियर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि इसने आज तक अपने भाई के 15 मिनट में हिंदू खत्म करने के भाषण पर जो बयान दिया था, उस पर आज तक खेद प्रकट नहीं किया है। उसने यही किया है एक वकील के नाते कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और कोर्ट में मामला चल रहा है, जो कोर्ट कहेगा हम वही करेंगे। इसके विपरीत हमारे हिंदू राजनेता संगठन संघ मोदी सरकार जिस तरह हिंदू वोटों पर मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है, वो भारत में मुस्लिम राष्ट्र होने पर मुहर लगाती है। भारत जिस दुर्गति से गजवाए हिंद की ओर अग्रसर है, उस पर किसी और को नजर डालने की फुर्सत ही नहीं है। याद रखिए, हम कोरोना वैक्सीन बनाने में अपना सीना फुलाते हैं, इसरो आईटी में अपनी उपलब्धि पर इतराते हैं, बैटरी चलित रेल और दोपहिया वाहन पर बेहद खुश होते हैं, ब्रह्मोस्त्र के कई देशों से मिलते ऑर्डर पर फूले नहीं समाते हैं, मेडिकल और सॉफ्टवेयर में हमारा दबदबा है, हमारा दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, अरबों खरबों रुपये के निर्यात के ऑर्डर हमारे देश को मिल रहे हैं, रेलवे और बस स्टेशनों को फाइबर स्टार होटल और जैसे बनाने की हमारी तमन्ना है, हम बहुत अधिक विकसित होने की कगार पर हैं। पर विश्वास कीजिए, एक दिन हम हिंदुओं को ये सब छोड़कर भागना पड़ेगा। कोई संशय मत रखिए, एक दिन जिन्ना की तरह ओवैसी का डायरेक्ट एक्शन डे होगा, सबका साथ सबका विकास की मिसाइल हम हिंदुओं पर ही चल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य, नमस्ते जी।